बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक रूट कैनाल सीलर से रिलेटेड है। अब रूट कैनाल की जब हम फिलिंग करते हैं उसके लिए पॉइंट्स या कॉन्स यूज होते हैं, उसे कहते हैं गट्टा पर्चा कॉन्स। गट्टा पर्चा का एक मसला है, जो गट्टा पर्चा पॉइंट्स होते हैं वो रूट कैनाल के अंदर जो डेंटीन होती है उसके साथ वो बाइंड नहीं करता है, उसकी बाइंडिंग नहीं होती। उस हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो दोनों का आपस में बाइंड एज अ बाइंडर एक्ट करे। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, रूट कैनाल सीलर। सीलर एक तरफ से रूट की डेंटीन से अटैच होगा और दूसरी तरफ से गट्टा पर्चा के साथ, यानी दोनों को आपस में अटैच करवाएगा। तो सीलर अगर हिस्टोरिकली देखें तो सबसे पहले जिंक ऑक्साइड यूजिन और बेस सीलर यूज होते थे, विच आर स्टिल इन यूज इन यूके। यूके में अभी भी जिंक ऑक्साइड यूजिन और बेस सीलर यूज होते हैं। उसके बाद आ गए थे हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस सीलर, जैसे सील अपेक्स के नाम से आता है, अपेक्सिट के नाम से आता है, अपेक्सिट प्लस के नाम से आता है। ये सारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड रूट के नाम सीलर है। इसके बाद हमारे पास रेजिन बेस सीलर आए जिसमें एएच प्लस आ जाता है। इसके अलावा ये एड सीलर जो आपको नजर आ रहे सामने, एड सील के नाम से भी अच्छा सीलर है। लेकिन जो सारे सीलर ये मैंने अब तक बताए आपको, ये पैसिव है, ये बायो एक्टिव नहीं है। बायो एक्टिव सीलर क्या होता है और उसकी क्या एडवांटेज होता है? बायो एक्टिव का मतलब ये होता है कि वो एपिकल एरिया में आपकी हाइड्रोक्सी अपर्टेट की क्रिस्टल को डिपॉजिट कराएगा और एपिकल एरिया में हीलिंग को प्रमोट करेगा। तो बायो एक्टिव में सबसे पहला हमारे पास कौन सा मटेरियल था, एमटीए बेस्ड रूट कैनाल सीलर। एमटीए का क्या मतलब है, मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट। एमटीए बेस्ड रूट कैनाल सीलर बायो एक्टिव सीलर। इसके बाद बायोसिरेमिक सीलर्स भी आए हैं, पट्टी जैसी पट्टी लाइक कॉन्सिस्टेंसी होती, थिक कॉन्सिस्टेंसी में, तो उन्हें कहते हैं बायोसिरेमिक सीलर। तो इन सीलर का फायदा होता है, एक तो ये हीलिंग को प्रमोट करते हैं, रीमिनरलाइज करते हैं हाइड्रोक्सी अपेटेट क्रिस्टल को, एपिकल एरिया में डिपॉजिट करते हैं ये सीलर जो है। तो रूट कैनाल सीलर जो आपके पास आते हैं सारे आपने बताए हैं, इनका मेन एडवांटेज क्या होता है, गट्टा पर्चा और डेंटिनल वाल की आपस में बाइंडिंग। और उसके लिए हमें अच्छा सीलर यूज करना चाहिए। हमारी डिफरेंट ऑब्चुरेशन टेक्निक्स हैं, जैसे कॉल्ड लेटरल कंपेक्शन है जिसमें आपको मल्टीपल गट्टा पर्चा पॉइंट यूज करने पड़ते हैं। एक आपकी सिंगल कॉन ऑब्चुरेशन टेक्निक है। अब जो सिंगल कॉन ऑब्चुरेशन है उसमें चांसेस होते हैं कि साइड्स पे वाइड्स या स्पेसेस आने के चांसेस कॉल्ड लेटरल कंपेक्शन की निस्बत ज्यादा होते हैं। अगर आपने सिंगल कॉन ऑब्चुरेशन टेक्निक यूज करनी है तो उसमें आइडियली बल्कि मैंडेटरी कहना चाहिए कि आपको बायोसिरेमिक सीलर यूज करना चाहिए, ताकि जो इर्द गिर्द उसके लेटरली जो स्पेसेस जो वाइड्स हैं और वो सीलर जो बायोएक्टिव सीलर है आपका, वो स्पेसेस वाइड्स या जो गैप्स हैं उन चीज को कवर कर लेगा। यानी अगर आपने सिंगल कॉन ऑब्चुरेशन करनी है तो एक अच्छा सीलर आपको यूज करना बहुत जरूरी है। और ये कुछ लोगों की थोड़ी मिसकंसेप्शन भी है, कुछ लोग कहते हैं अगर हम थर्मोप्लास्टिसाइज गट्टा पर्चा से ऑब्चुरेशन करें तो हमें सीलर की जरूरत ही नहीं, जबकि हम किसी भी टेक्निक से ऑब्चुरेशन करें, चाहे वो कॉर्ड लेटरल है, चाहे वर्टिकल कंपेक्शन है, वन वर्टिकल कंपेक्शन है, थर्माफिल है, थर्मोप्लास्टिसाइड गट्टा पर्चा है, कंटिन्यूस वेव टेक्निक है, जितनी भी टेक्निक है, सीलर तो मैंडेटरी है ना, क्योंकि बेसिकली आपके गट्टा पर्चा के अंदर एक इनहेरेंट एक प्रॉब्लम है कि वो डेंटीन के साथ बाइंड नहीं करता। उसके लिए हमें एक केमिकल लाजमी चाहिए, एक ऐसी चीज जो गट्टा पर्चा को डेंटीन के साथ बाइंड करे और एक प्रॉपर एपिकल सील हमें मिल जाए। इसलिए रूट कैनाल सीलर अच्छा यूज करना चाहिए, स्पेशली जब आप सिंगल कॉन ऑब्चुरेशन कर रहे हैं। इसमें एक और चीज भी आ जाती है रूट कैनाल सीलर। रूट कैनाल की दो चीजें और भी बड़ी अहम है, एक रिकैपिचुलेशन और एक एपिकल पेटेंसी। जब आपने एपिकल एरिया को पेटेंट रखा है, जो एपिकल एरिया आपका पेटेंट है, तो उससे क्या होगा, सीलर आपका ड्यूरिंग कंपेक्शन सीलर आपका थोड़ा बहुत एक्सट्रूड हो जाएगा, जिसे सीलर पफ भी कहा जाता है, अगर बहुत ज्यादा सीलर ब्लास्ट भी करते हैं तो नॉर्मली जो टर्म जो होते हैं सीलर पफ के नाम से, और किसी जमाने में सिग्नेचर ऑफ एंडोडोंटिक्स भी कहा जाता था। और ये जब आपने पेटेंसी को मेंटेन रखा है, एपिकल पेटेंसी को, तो ये इनएविटेबल है कि आपका सीलर थोड़ा बहुत एक्सट्रूड करेगा, और वो कोई नुकसानदेह चीज नहीं है। आपकी पेरीएपिकल एरिया में क्या होता है, बॉडी के जो डिफेंस सेल्स है, वांडरिंग मैक्रोफेजेस,
जो आपका पेरी एपेक्स है उस पर क्या चीज होती है, वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस, वो इस चीज को बाइट कर लेते हैं, अनगल्फ कर लेते हैं, वो टाइम के साथ साथ वो चीज रिजॉल्व हो जाती है।